हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलस्ता सिद्दीकी ऑप्टोमेट्रिस्ट। सो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आपको पास का कम दिखाई दे रहा है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप इसके बारे में जानिए कि आपको क्यों कम दिखाई दे रहा है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं इसमें आपको पूरा बताने वाली हूँ कि आपको पास में क्यों कम दिखाई देता है और क्या करना चाहिए। अगर आपको पास का कम दिखाई दे रहा है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये एज से रिलेटेड होने वाली कंडीशन है। इस कंडीशन को प्रेसबायोपिया बोलते हैं। अगर आपको पास में कम दिखाई दे रहा है तो ये कंडीशन प्रेसबायोपिया कहलाती है। अगर आपकी एज 40 या फिर 40 प्लस है तो आपको पास में देखने में दिक्कत आने लग जाती है, बिकॉज आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप पास की चीज़ें या फिर पास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी एज बढ़ रही है, हमारी मसल्स वीक होती जा रही है, वैसे ही हमारी आइज की भी मसल्स होती हैं, हमारा लेंस की जो इलास्टिसिटी होती है वो एज के साथ साथ कम हो जाने लग जाती है, जिसकी वजह से हम पास की चीज़ों को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये कंडीशन 40 या फिर 40 प्लस में ही दिखाई देती है समटाइम्स, बिकॉज आजकल मोबाइल टीवी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो 40 से भी पहले आपको पास में देखने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं आपको। सबसे फर्स्ट तो यही रहेगा कि आपको पास में देखने में दिक्कत रहेगी, आपको पास का कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आपकी आई में स्ट्रेन आएगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको हेडेक फील होगा, आपको डिजीनेस रहेगा, वॉमिट सेंसेशन रहेगा, ये सब इसके सिम्टम्स रहते हैं, एस्टेनोपिक सिम्टम्स कहलाते हैं। सो अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पर। प्रेसबायोपिया में हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फर्स्ट, हम ग्लासेस पहन सकते हैं। सेकंड, हम कॉन्टेक्ट लेंसेस पहन सकते हैं। थर्ड, सर्जरी करवा सकते हैं। सो ग्लासेस के ऊपर बात आती है। आजकल तो पता ही है आपको, फैशनेबल है, आप ग्लासेस, कोई भी फैशनेबल ग्लासेस बना सकते हैं और उसे पहनकर कोई भी नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं, तो आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगा कि आपको इतना क्लियर दिखाई दे रहा है। थ्री टाइप्स के लेंसेज होते हैं, सिंगल लेंसेज, बायफोकल एंड मल्टीफोकल। सो अगर आप ग्लासेस नहीं लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पढ़ना है, तो आप सिंगल लेंसेज पहन सकते हैं। आप सिंगल लेंसेज बनवा लीजिए नियर विजन के लिए, तो आप कोई भी कुछ भी आप देखना चाहते हैं तो वो ग्लासेस पहनकर देख सकते हैं। बायफोकल में क्या होता है, हमारा जो ग्लासेस होते हैं उसमें एक लाइन होती है, जो इसमें ऊपर साइड होती है वहाँ पे आपका डिस्टेंस का पावर होता है, एंड नीचे जो रहता है वो आपका नियर पावर होता है, तो उसे बायफोकल ग्लासेस कहते हैं। बट ज़्यादातर लोग बायफोकल नहीं पहनना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है इसमें आपका एज पता लगता है, आपकी उम्र हो चुकी है, जिसकी वजह से आप बायफोकल ग्लासेस पहन रहे हैं। सो इसके अलावा एक ऑप्शन है मल्टीफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल में क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव लेंसेज होते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप प्रोग्रेसिव लेंसेज, अगर आपको सिस्टम पे वर्क है तो बेस्ट रहता है कि आप प्रोग्रेसिव लेंसेज पहने। तो प्रोग्रेसिव लेंसेज में क्या होता है, आपका फार डिस्टेंस कवर होगा, नियर डिस्टेंस कवर होगा, एंड आपका इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी कवर होगा। एंड इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई लाइंस नहीं दिखाई देती हैं, ये सिंगल लेंस की तरह होता है। अगर आप ग्लासेस पहनते तो ये सिर्फ सिंगल लेंस की तरह दिखाई देता है। सो सेकंड है कॉन्टेक्ट लेंसेज। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ग्लासेस के साथ तो आप कॉन्टेक्ट लेंसेज पहन सकते हैं। कॉन्टेक्ट लेंसेज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सो अब अगर आपको फार में या फिर किसी डिस्टेंस के लिए पावर है तो आप बायफोकल वाले कॉन्टेक्ट लेंसेज पहन सकते हैं। थर्ड आता है सर्जरी। आप सर्जरी करवा सकते हैं। सर्जरी भी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज आपका परमानेंटली पावर हट जाता है, लाइफ टाइम के लिए आपको ग्लासेस या फिर कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सर्जरी करवा लीजिए जिससे आपका परमानेंटली पावर हट जाएगा, जिससे आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। थैंक यू।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।